हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाक सुप्रीम कोर्ट सेज इमरान्स अरेस्ट इलीगल, ऑर्डर्स हिज रिलीज। ठीक है, तो जो पाक की जो सुप्रीम कोर्ट है सेज, वो कहती है कि इमरान्स अरेस्ट, जो इमरान की जो गिरफ्तारी है, इलीगल, गैर कानूनी है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या किया, ऑर्डर्स हिज रिलीज, उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल दिखा रहा हूँ मगर ये पास्ट है। ठीक है, ऑर्डर वंस रिलीज मिस होता है आदेश देना रिहाई के। ठीक है, गवर्नमेंट क्रिटिसाइजेस रूलिंग, तो जो सरकार है उसने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है किसकी, रूलिंग की, फैसले की। रूलिंग मिस होता है जो न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया जाता है, वर्डिक्ट, डिसीजन, उसे बोलते हैं। ठीक है, और क्या किया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइल्स न्यू टेरर चार्जेस, तो उन्होंने फाइल कर लिया, दायर कर लिए नए जो टेरर चार्जेस हैं, आरोप हैं, उनको फाइल दायर कर लिया है, पंजीकृत कर लिया, फॉर वायलेंस, हिंसा के लिए। ठीक है, अगेंस्ट इमरान खान के खिलाफ, मतलब कि नए चार्जेस लगा दिए उन पर। ठीक है, आइए न्यूज़ पढ़ते से समझते हैं। इस्लामाबाद, इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, ऑन थर्सडे, गुरुवार को, तो गुरुवार को उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर द रिलीज, तो ऑर्डर मिस होता आदेश देना, रिलीज मिस होता रिहाई के आदेश देना। ठीक है, किसकी रिहाई के आदेश दिए गुरुवार को, ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, हुज अरेस्ट, जिसकी गिरफ्तारी अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह की शुरुआत में, तो उसने उनकी गिरफ्तारी ने क्या किया था, स्पार्क्ड अ वेव ऑफ वायलेंस, स्पार्क मीन्स होता है चिंगारी लगा देना। ठीक है, अ वेव ऑफ वायलेंस, तो जो हिंसा की जो एक लहर थी उसमें चिंगारी लगा दी थी उनकी गिरफ्तारी ने। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, बाय हिज सपोर्टर्स, उनके समर्थकों द्वारा। ठीक है, तो उनके समर्थकों द्वारा क्या हुआ था वहाँ पर, रैम्पेजिंग हो गई थी, मतलब कि दंगे फसाद हो गया था। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर, जैसे अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, अक्रॉस द सिटी, ठीक है, शहर भर में, अक्रॉस द विलेज, गांव भर में, इस तरीके से ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में, तो इस तरीके से अक्रॉस को यूज़ करते हैं। खान्स बैकर्स, बैकर्स मीन्स होता है सपोर्टर्स, जो बैक करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट या बैक, ये वर्ब है। ठीक है, खान सपोर्टर, जो खान्स के जो सपोर्टर्स थे, जो बैकर्स थे, डांस, वो नाचे, इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, आउटसाइड द कोर्ट बिल्डिंग, जो कोर्ट की जो बिल्डिंग थी, जो भवन था, उसके बाहर वो नाचे। ठीक है, सेलिब्रेटिंग द लेटेस्ट टर्न, तो जो नया मोड़ आया था उसको सेलिब्रेट करते हुए, किसमें मोड़ आया था ये नया, इन द कन्फ्रंटेशन, तो जो टकराव था, बिटवीन द एक्स प्रीमियर, जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं उसके बीच में, एंड द करंट गवर्नमेंट, और जो वर्तमान की सरकार, उनके बीच में जो नया टकराव का मूड आया है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग। ठीक है, तो एक्स प्रीमियर, प्रीमियर मिस होता प्रधानमंत्री, एक्स मिस होता फॉर्मर, ठीक है, पूर्व का। इट आल्सो सेट्स अप, तो सेटअप मिस होता है कोई चीज़ क्रिएट कर देना, स्थापित कर देना। ठीक है, इट आल्सो सेट्स अप अ डायरेक्ट क्लैश, एक इन्होंने नया जो क्लैश है, टकराव है, वो स्थापित कर दिया सीधा, किसके बीच में, बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच में, एंड द मिलिट्री, और मिलिट्री के बीच में। तो मतलब ये जो बात हुई है, जब उनको रिहा किया गया, तो जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट और जो मिलिट्री, उनके बीच में एक नया टकराव होना चालू हो गया। ठीक है, विच इज़ वाइडली कंसिडर्ड, वाइडली मीन्स होता व्यापक रूप से या कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, विच इज़ वाइडली कंसिडर्ड, जो पूरी तरीके से माना जाता है, टू बी द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, बिहाइंड हिज अरेस्ट, उनकी जो गिरफ्तारी के पीछे, तो वो ड्राइविंग फोर्स माना जा रहा है। ड्राइविंग फोर्स मीन्स होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको उकसाती है करने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि उसे हिंदी में प्रेरक शक्ति बोलते हैं, प्रेरक स्रोत भी बोल सकते हैं, शक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपको मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए, तो जो उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, तो उसको किसने मोटिवेट किया, ये क्या कहते हैं, ये मिलिट्री ने और प्लस ये गवर्नमेंट ने। ठीक है, एमिड डेज ऑफ क्लैशेस, ठीक है, जो झड़पें हुई हैं उन दिनों के दौरान या उन दिनों के बीच, बिटवीन किसके बीच में हुई थी झड़पें, बिटवीन प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों के बीच, एंड पुलिस, और पुलिस वालों के बीच में जो झड़पें हुई हैं। ठीक है, एंड मोव अटैक्स, और जो भीड़ था उनका हमला हुआ था ऑन मिलिट्री, ठीक है, सेना पर, एंड गवर्नमेंट साइट्स, और जो सरकारी जो स्थल थे, सरकारी जो जगहें थी वहाँ पर हमला हुआ था भीड़ों का। ठीक है, द गवर्नमेंट, तो फिर उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैड क्रैक डाउन, क्रैक डाउन
ऑन मतलब होता है कार्रवाई करना, नकेल कसना, तो सरकार ने क्या किया था, कार्रवाई की थी ऑन खान सपोर्टर, खान के समर्थकों पर, ठीक है, अरेस्टिंग ओवर 2000 इन रेड्स। तो रेड में क्या किया, 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया अराउंड द कंट्री, पूरे देश में, ठीक है। यहाँ पे हम अक्रॉस द कंट्री भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया मतलब फैसला सुनाया, खान्स अरेस्ट, खान की गिरफ्तारी का, ठीक है, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को वॉज इलीगल। तो उन्होंने ये फैसला सुनाया कि ये जो उनकी गिरफ्तारी है वॉज इलीगल, गैर कानूनी है, ठीक है, जो गैर कानूनी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ठीक है, जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, और तो उन्होंने विनती की है खान से, ठीक है, टू अपील टू हिज सपोर्टर्स। तो उन्होंने खान से विनती की है कि तू जो खान है वो अपील करें टू हिज सपोर्टर्स, अपने समर्थकों से, टू रिमेन पीसफुल, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए, ओके, शांतिपूर्ण रहने के लिए। खान डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ, तो खान ने दूरी बनाई फ्रॉम द प्रोटेस्ट, ठीक है, इन विरोध प्रदर्शनों से, बाय सेइंग, यह कहते हुए, डेट की ही वॉज इन कस्टडी, वो कस्टडी में थे, आई वॉज कॉट एज इफ, मैं पकड़ा गया, एज इफ मीन्स होता मानो, आई एम अ टेररिस्ट, मैं एक आतंकवादी हूँ, ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा, एंड आस, और उन्होंने पूछा हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ फॉर द ब्लडी प्रोटेस्ट, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन, उसका मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। ब्लडी मीन्स होता है जिस खून भरा, जिसमें किलिंग्स भी हो रही हो, ठीक है, जिसमें खून भी शामिल हो। ही ऑल्सो सैड, उन्होंने ये भी कहा, डैट की ही नेवर सपोर्टेड वायलेंस, उन्होंने कभी भी हिंसा की समर्थन नहीं, हिंसा का समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। आई अर्ज एवरी वन, और मैं हर किसी से, प्रत्येक से विनती करता हूँ, अर्ज मीन्स होता विनती करना, टू अवॉइड डैमेजिंग, अवॉइड करें, परहेज करें, किससे, डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे डैमेज करने से, उसे नुकसान पहुँचाने से अवॉइड करें, ठीक है, परहेज करें। खान सैड, खान ने कहा, ठीक है, एडिंग डेट, और ऐड किया, ही वॉज जस्ट पुशिंग फॉर इलेक्शंस, तो पुश फॉर मिस होता है दबाव बनाना या फिर डिमांड करना, तो वो किसकी डिमांड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि वो किसकी डिमांड कर रहे हैं, चुनावों की डिमांड कर रहे हैं वो, ठीक है, तो पुश फॉर मिस होता है किसी चीज़ की डिमांड करना बार बार लगातार, ठीक है, या दबाव डालना या डिमांड करना, तो यहाँ पर डिमांड से मतलब है, ही वॉज जस्ट पुशिंग फॉर द इलेक्शंस, तो वो चुनावों को क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ठीक है, ये नरेशन चल रहा है, इस करके वॉज लगा हुआ है। खान ऑल्सो टोल्ड द कोर्ट, तो जो खान है उन्होंने कोर्ट न्यायालय को भी ये भी बताया न्यायालय को, डैट की ही वॉज किडनैप, उन्हें उनका अपहरण किया गया, एंड सब्जेक्टेड टू वायलेंस, ठीक है, और उनके साथ वायलेंस की गई, हिंसा की गई, ये सब्जेक्टेड टू का मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, मतलब उनके साथ मारपीट की गई होगी। सेइंग, यह कहते हुए, ही हैड बीन बीटन, उनको पीटा गया, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है, विद क्लब्स, लोहे की रॉड से, क्लब्स मीन्स यहाँ पे लोहे की रॉड है, ठीक है, और क्लब वर्ब भी है, मतलब कि किसी लोहे की रॉड से मारना। एंड डैट सच अ ब्रूटैलिटी, उस तरीके की जो क्रूरता है, ठीक है, ब्रूटैलिटी में से होता क्रूरता, वॉज नॉट इवन इन्फ्लिक्टेड, नहीं थोपी जाती ऑन क्रिमिनल्स, अपराधियों पर, बोले कि जिस तरीके से मुझे मारा पीटा गया वो क्रिमिनल्स के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लिक्ट मीन्स होता थोपना, कोई ऐसी चीज़ जो सामने वाला करना ना चाहता हो, आप ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे हैं, ठीक है। दो, खान वॉज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, हालांकि खान को रिहा कर दिया गया फ्रॉम कस्टडी से, ठीक है, तो ये दो के बाद इसमें फिर भी की साउंड भी आती है, फिर भी या लेकिन, ही विल बी अंडर प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा में रहेंगे, ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों की, ठीक है, मतलब उनकी सिक्योरिटी में रहेंगे, ठीक है, इन अ सेफ लोकेशन, एक सुरक्षित स्थान पर, इन द कैपिटल, राजधानी में, ठीक है, मतलब देश की राजधानी जो होगी उनकी इस्लामाबाद। द हेड ऑफ हिज लीगल टीम, जो उनके लीगल टीम के जो हेड हैं, जो मुखिया हैं, बाबर अवान, टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टरों को बताया, ही इज टू अपियर, उन्हें पेश होना है, बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट है उसके सामने, ठीक है, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मतलब आज। अवान सैड, अवान ने कहा, इट वॉज नॉट इमिडिएटली क्लियर, ये तुरंत मतलब साफ नहीं किया गया, वैन ही वुड बी अलाउड, कब उनको अनुमति दी जाएगी, ये पैसिव चल रहा है, सॉरी नरेशन चल रहा है, ठीक है,
व्हेन ही वुड बी अलाउड, कब उनको अनुमति दी जाएगी टू गो होम, घर जाने के लिए। बट लेकिन आवान अंडरलाइन, अंडरलाइन में होता अपनी बात पे एम्फेसाइज करना, जोर डाल के बोलना, ठीक है। आवान ने क्या किया, अपनी बात पे जोर डाला, डैट की खान इज़ अ फ्री सिटीजन, खान वो एक स्वतंत्र नागरिक हैं, एंड और विल बी अलाउड, और उन्हें अनुमति दी जाएगी टू मीट, मिलने की विद लॉयर्स, ठीक है, वकीलों से, एंड एंड सपोर्टर्स, और जो उनके समर्थक हैं उनसे उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाएगी, मंजूरी दी जाएगी। द गवर्नमेंट वॉर्न, तो जो सरकार है उसने वॉर्न किया, ये वार्निंग इसी से बना हुआ, ठीक है, मतलब ये वर्ब है, वॉर्न मतलब चेतावनी दी, डेट की फ्रीइंग हिम, उसे स्वतंत्र करना, छोड़ना, वुड रिवॉर्ड एंड इनक्रेज वायलेंस, उसको छोड़ना क्या करेगा, रिवॉर्ड करेगा और इनक्रेज करेगा, ठीक है, प्रोत्साहन देगा हिंसा को, मतलब उसे छोड़ना नहीं चाहिए, सरकार ने ये बोला है, चेतावनी दी है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, तो जो जो उनके रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ठीक है, डिनाउंस्ड, तो उन्होंने निंदा किया, मतलब कि गलत ठहराया, ठीक है, तो डिनाउंस मिस होता पब्लिकली कुछ बोलना कि ये बात गलत है, ठीक है। डिनाउंस द रूलिंग, तो जो जो फैसला उसे गलत ठहराया है। कॉलिंग इट, इसे मतलब कॉलिंग इट, इसे बुलाते हुए, अ स्पेशल रिप्रीव, रिप्रीव मिस होता राहत, ठीक है, तो उन्होंने एक विशेष इसे राहत बताया, फॉर खान, खान के लिए, एंड सेइंग, और कहते हुए, द कोर्ट वॉज इग्नोरिंग, तो जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो इग्नोर कर रही है, ठीक है, तो ये नरेशन चल रही है, तो इस करके मैं सीधा डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, इग्नोर मिस होता नज़रअंदाज करना, तो वो क्या है, जो कोर्ट है नज़रअंदाज कर रही है, ही सपोर्टर्स अटैक्स, तो जो उनके समर्थकों का जो हमला था उसको नज़रअंदाज कर रही है, जो हमला किस पे था, ऑन मिलिट्री, सेना पर, एंड द गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, जो सरकारी जो इंस्टॉलेशंस थी उस पर जो हमला था उसे नज़रअंदाज कर रही है, ठीक है। रूलिंग, तो ये रूलिंग जो प्रेजेंट टाइम में जो रूल कर रही है गवर्नमेंट, रूलिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है, जो ये पार्टी है उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वाइस, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष मरियम नवाज सेट, तो जो मरियम नवाज है उन्होंने कहा, डेट की द चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, शुड रिजाइन, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, फ्रॉम हिज पोजिशन, अपने पद से, एंड लाइक हिज मदर इन लॉ, अपनी जो सासू माँ उसकी तरह, ज्वाइन खान्स पार्टी, और खान की पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, उनमें उन्हें उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। खान हु वॉज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, खान जो जिनको रिमूव फ्रॉम ऑफिस में होता पद से हटा देना, या ऑफिस से हटा देना, ठीक है, खान जिनको क्या किया गया था, वॉज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, जिनको पद से हटा दिया गया था, अ ईयर एगो, एक साल पहले, बाय किसके द्वारा, बाय अ नॉन कॉन्फिडेंस वोट, एक जो अविश्वास वोट वोट थी, जो प्रस्ताव था उसके द्वारा, ठीक है, इन पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में, मतलब संसद में, तो ये जो ये खान है, फेसेस मल्टीपल करप्शन चार्जेस, तो इन पे ये फेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सामना कर रहे हैं मल्टीपल करप्शन चार्जेस, कई भ्रष्टाचार के आरोप, इन पाकिस्तानी कोर्ट्स, पाकिस्तानी कोर्ट न्यायालय में, बट लेकिन हिज अरेस्ट वॉज अ स्टारलिंग, जो उनकी गिरफ्तारी थी वॉज अ स्टारलिंग, एक चौंका देने वाली थी, स्टारलिंग मिस होता है चौंका देना, ठीक है, तो जो उनकी गिरफ्तारी थी वो चौंका देने वाली थी, ड्रामेटिक मूव, और एक जो नाटकीय कदम था। ही वॉज इन कोर्ट ट्यूजडे, तो वो मंगलवार को न्यायालय में थे, फॉर वन सेट ऑफ चार्जेस, कोई एक जो आरोप था लगा हुआ था उस मामले में, ठीक है, वैन एंटी ग्राफ्ट एजेंट्स, कोई जो एंटी ग्राफ्ट मिस होता विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, कोई जो एजेंट्स थे, तो ग्राफ्ट मिस होता करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार, एंटी मिस हो गया विरोधी, विरोधी भ्रष्टाचार एजेंट्स, जब क्या किया, जब ये कब ये ड्रामेटिकली मूव हुआ, वैन एंटी ग्राफ्ट एजेंट्स बार्ज्ड इन, बार्ज इन मिस होता जबरदस्ती घुस जाना घर में, ठीक है, तो जब ये एंटी ग्राफ्ट एजेंट्स थे जबरदस्ती अंदर घुस गए, एंड ड्रैग्ड हिम अवे, और घसीटते हुए ले गए, एंड शॉप्ड हिम, और उसे धक्का मारा, ठीक है, शॉप में से होता पुश करना, इंटो किस में, इंटो एन आर्म्ड व्हीकल, एक बख्तरबंद जो वाहन था उसमें धक्का मारा, ठीक है, तो किस इन कनेक्शन विद, के सिलसिले में, के कनेक्शन में, अनदर सेट ऑफ चार्जेस, कोई दूसरा जो आरोप था उस चार्जेस में उसे घसीटते हुए लेके गए थे उसको, ठीक है, इमरान खान को। इन द वायलेंस डैट इंशूड, हिंसा में, डैट इंशूड जो हुई थी, ठीक है, एटलीस्ट 10 ऑफ ही सपोर्टर्स, लगभग, एटलीस्ट में से होता लगभग
10 ऑफ हिज सपोर्टर्स, जो खान के 10 समर्थक थे, वर किल्ड, मार दिए गए, एंड डजन इंजर्ड, डजन्स इंजर्ड, और दर्जनों घायल हो गए, ठीक है, अलोंग विद, किसके साथ साथ में, अलोंग विद ओवर 200 पुलिसमैन वुंडेड, और जो 200 से ज़्यादा जो पुलिस वाले थे वो वुंडेड हो गए, मतलब वो भी इंजर्ड हो गए, ठीक है, इनके साथ में। प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी थे, टॉर्च, टॉर्च मीन्स होता आग लगा देना जानबूझ के, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से। प्रोटेस्टर्स टॉर्च्ड, तो जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आग लगा दी। ट्रक्स, ट्रकों पर, कारों पर, ठीक है, और पुलिस व्हीकल्स और पुलिस वाहनों पर जानबूझकर मतलब कि गैर कानूनी तरीके से आग लगा दी, ठीक है, इन द स्ट्रीट, सड़कों पर, एंड ब्लॉक्ड हाईवे, और हाईवे को जाम कर दिया। अ मॉब, तो एक भीड़ थी, सेट फायर, उन्होंने आग लगा दी ट्यूसडे, मंगलवार को, टू, किसे आग लगाई है, टू अ स्प्रॉलिंग रेजिडेंस, तो स्प्रॉलिंग मीन्स होता दूर तक फैला हुआ, जो रेजिडेंस में होता निवास, तो जो एक भीड़ थी उसने मंगलवार को एक जो दूर तक जो फैला हुआ था निवास, किसका, ऑफ अ टॉप आर्मी कमांडर इन लाहौर, तो लाहौर में कोई टॉप आर्मी कमांडर हैं, उनके जो जो दूर तक जो निवास फैला हुआ था उसको भी आग लगा दी भीड़ ने, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स मीन्स भी प्रदर्शनकारी होता है, तो ये प्रदर्शनकारी डेमोन्स्ट्रेटर्स ने क्या किया, बर्नड डाउन अ रेलवे स्टेशन, उन्होंने एक रेलवे स्टेशन जला दिया, ऑन द, ये कहाँ पे पड़ता है, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द कैपिटल, तो जो राजधानी है उसके आउटस्कर्ट, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मीन्स होता बाहरी इलाका, तो जो राजधानी का जो बाहरी इलाका है तो वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है उसको भी जला दिया, ठीक है, ये इस्लामाबाद का जो जो मतलब जो कैपिटल है उसके बाहरी इलाके में, ऑन वेनसडे नाइट, बुधवार की रात को, ठीक। पुलिस फाइल्ड न्यू टेररिज्म चार्जेस, तो जो पुलिस है उसने पंजीकृत किए हैं नए जो टेररिज्म चार्जेस थे, आरोप थे, ऑन थर्सडे, गुरुवार को, किसके खिलाफ, अगेंस्ट खान, खान के खिलाफ, एंड और टॉप लीडर्स, जो उसके टॉप लीडर्स हैं, नेता हैं, फ्रॉम हिज पीटीआई पार्टी, उनकी पीटीआई पार्टी से, उनके खिलाफ, तो इनके खिलाफ लगे हैं ऑन चार्जेस ऑफ, ऑन चार्जेस ऑफ मिस होता क्या, आरोपों में, इनसाइट, इनसाइटिंग मोब्स, इनसाइट मिस होता है उकसाना, मोब मिस होता भीड़, भीड़ को उकसाने के लिए, टू वायलेंस, हिंसा के लिए, तो मतलब हिंसा के लिए उन्होंने भीड़ को भड़काया था, उसके आरोप उन पर लगाए गए हैं, उन पर ये नए टेररिज्म चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है। खान सेवरल क्लोज एड्स, तो खान के जो कई जो घनिष्ठ सहयोगी थे या हैं, इंक्लूडिंग शहीद, ठीक है जी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, तो ये जो पूर्व के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उस इसमें ये भी शामिल हैं, पार्टीज सेक्रेटरी जनरल असद उमर, एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हैव बीन अरेस्टेड, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। सो गाइज, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और एक तो सब्जेक्टेड टू पे एक वीडियो मैं बना दूंगा, एक दो पे एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में, ठीक है, नए चैनल में, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।